नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं कैबिनेट दिस वीक, जिसमें हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों की। हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों का आम और ख़ास पर क्या असर पड़ता है। आज हम बात करेंगे कैबिनेट द्वारा इस बार लिए गए दो बड़े फैसलों की। सबसे पहले बात केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 3 लाख रुपये तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5% सालाना ब्याज अनुदान को मंजूरी देने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी वित्तीय संस्थानों के लिए लघु अवधि के कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान को बहाल कर 1.5% करने की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी 1.5% का ब्याज अनुदान उधार देने वाले संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंकों से सीधे तौर पर जुड़े कंप्यूटरीकृत PSCS को किसानों को वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कृषि ऋण देने के लिए प्रदान किया गया है। क्या है ये घोषणा, जानने के लिए देखते हैं एक रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5% ब्याज सहायता को मंजूरी दी। इस कदम का मकसद कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सभी वित्तीय संस्थानों के लिए अल्पकालीन कृषि कर्ज के लिए 1.5% ब्याज सहायता योजना बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। किसानों को पहले की तरह ही किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा, 7% ब्याज पर ही मिलेगा, 3% की सबवेंशन किसानों को मिलेगी जो टाइम पर पेमेंट करते हैं, और बैंकों पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े उसके लिए 1.5% इंटरेस्ट की सहायता हम लोग अपनी तरफ से करने जा रहे हैं। इसके तहत कर्ज देने वाले संस्थानों को वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए किसानों को दिए गए 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कर्ज के एवज में 1.5% ब्याज सहायता दी जाएगी। जी हाँ, बातचीत के लिए हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं डॉक्टर अशोक दलवाई, CEO राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अशोक दलवाई जी। और इस पूरे विषय को हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि लघु अवधि के कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान को बहाल कर 1.5% करने की मंजूरी को आप किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं। नमस्कार शर्मा साहब, आपको धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये जो कैबिनेट के द्वारा कल निर्णय लिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जैसे जानते हैं, बहुत साल से हर साल केंद्र सरकार किसानों को शॉर्ट टर्म लोन दिलवाने के लिए एक व्यवस्था अपनाया है। इस व्यवस्था के जरिए किसानों को बेसिक इंटरेस्ट सबवेंशन 2% मिलता है। इसका मतलब है अगर मार्केट में ब्याज 9% है, 2% घटाकर किसानों को 7% पर मिलता है। इसके अलावा जो प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करते हैं, जो समय सीमा में करते हैं, तो उनको और अधिकतम 3% का ब्याज छूट मिलता है। इसका मतलब है एक किसान को सरकार से, केंद्र सरकार से 5% इंटरेस्ट सबवेंशन या कंसेशन मिल रहा है शॉर्ट टर्म लोन 3 लाख तक। तो इफेक्टिवली एक किसान को शॉर्ट टर्म लोन खाली 4% पर मिल रहा है, जबकि मार्केट में उसका रेट होता है कम से कम 9%। इसका उद्देश्य यही है कि किसान अगर नया तंत्रज्ञान, नया टेक्नोलॉजी, सीड्स, प्लांटिंग मटेरियल, फर्टिलाइजर वगैरह जो चाहिए खरीदने के लिए, एक उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का व्यवस्था हो जाता है। क्योंकि पहले हम देखते थे कि नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मतलब जो मनी लेंडर से उनके पास जाना पड़ता था, अगर वो मनी लेंडर के पास जाएगा तो ब्याज तो बहुत होता है, ये तो असंभव होगा किसान को वापस करने के लिए।
तो ये जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है इस पर केंद्र सरकार का बहुत बहुत जोर है, इसके बारे में तो मैं आगे कहूंगा। अगर कल का निर्णय जो है, ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन का व्यवस्था था उसके साथ इसको अब जोड़ दिया गया है, इस कारण से अब स्कीम जो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन हम कहते हैं MISS, इसका उद्देश्य क्या है, जो इंस्टीट्यूशंस शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन देते हैं किसान को, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से जो पब्लिक सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्रामीण प्रदेश में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है और रीजनल रूरल बैंक जो है इनका बहुत बड़ा भूमिका होता है। बहुत सारे मार्जिनल फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स जो है विशेषकर वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास जाते हैं। अगर इन ये जो इंस्टीट्यूशंस है इनका जो फाइनेंशियल हेल्थ को अगर हम सुधारना है या उसको नर्चर करना है तो उनको भी सपोर्ट देने का व्यवस्था चाहिए था, वो आज तक नहीं था। कल जो कैबिनेट का निर्णय हुआ, इस निर्णय के द्वारा अब इन संस्थाओं को, विशेषकर जो रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज है या हमारा प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है जिन पर किसान का बहुत रिलायंस होता है, इनको विशेषकर ये 1.5% जो इंटरेस्ट सबवेंशन उनको भी दिया जाएगा, उनको बहुत फायदेमंद होगा। तो अगर ये जो पाइपलाइन है जहां से पानी हमको देना पड़ेगा वो अगर ठीक नहीं है तो किसान को नहीं मिलेगा। तो इसका यही उद्देश्य है कि देश में जितने सोसाइटीज है, जितने रीजनल रूरल बैंक्स है, उनको अब केंद्र सरकार से वो जो दिया जाएगा उस लोन का 1.5% उनको हर साल मिलेगा 3 साल के लिए। तो इससे हमको ये मानना पड़ेगा कि हमारा जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का व्यवस्था ठीक हो जाएगा और किसान को जो लोन मिलना चाहिए ठीक टाइम पर उनको मिलना शुरू हो जाएगा। तो और क्या ये जो स्कीम तो अब अनाउंस किया गया है ये 3 साल लिए है और 3 साल के लिए जो बजटरी प्रावधान चाहिए इसके लिए कम से कम 35,000 करोड़ मतलब 35,000 करोड़ लगभग आवश्यक है। इतना पैसा सरकार ने कल कैबिनेट में अप्रूव किया है तो इसका अर्थ ये होगा कि हर साल लगभग 12,000 करोड़ अधिकतम पैसा सरकार को देना पड़ेगा और इसका जो भार है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सरकार ने निभाने के लिए यह वायदा किया है, इसका मतलब यही होता है। जी, ये अल्पकालीन कृषि ऋण पर जो सालाना जो राहत दी जा रही है या छूट दी जा रही है सरकार की तरफ से, तो क्या कोई ऐसा तंत्र भी विकसित किया गया है कि इस छूट का, इस राहत का कितना फायदा किसान उठा पा रहे हैं? क्या सरकार के पास इसका कोई डाटा है या डाटा तैयार करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है? क्योंकि सरकार का, विशेष रूप से प्रधानमंत्री का जोर इस बात पर है कि किसानों की आय दोगुनी हो पाए। धन्यवाद। पिछले 7 साल में हम यही देखते हैं कि जो किसान जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पर निर्भर होते थे उनमें संख्या बढ़ रहा है। उदाहरण, जबकि 2014 में लगभग 46% लोग जाते थे, अब वो लगभग 52% हो गया है। इसका मतलब है ज़्यादातर किसान अब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को लाभदायक मानते हैं। द्वितीय डेटा हमारे पास जो है, जो एवरेज लोन जो था नॉन इंस्टीट्यूशनल वो कम हो रहा है और एवरेज इंस्टीट्यूशनल लोन बढ़ रहा है। सरकार का उद्देश्य यही है कि किसान ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन से लोन लिए और नॉन इंस्टीट्यूशनल मनी लेंडर से उनसे उन पर ज़्यादा निर्भर ना हो। और थर्ड एक डेटा आपको देना चाहता हूँ, जबकि 2014-15 में बजट में एक टारगेट दिया गया था 8.5 लाख करोड़ शॉर्ट लोन को, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिलकर 8.5 लाख करोड़ को देने का एक वायदा था। 2014-15 से 2022-23 तक ये तो 2 गुना से ज़्यादा हो गया है। लास्ट ईयर उदाहरण लगभग 18.5 लाख करोड़ लोन किसानों को दिया गया है। इसका मतलब ये क्या है? यही है कि किसान अब
ज्यादातर लोन ले रहे हैं सरकार सरकारी बैंकों से या शेड्यूल कमर्शियल बैंकों से, और वो प्रोपोर्शनेटली उनका जो निर्भर नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पर था वो कम होता जा रहा है, और यही इसका मतलब होता है। और एक लेसन एक हम ऐसे जान पाते हैं कि जब उनका लोन अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा हो रहा है तो स्वाभाविक दृष्टि से टेक्नोलॉजी भी सुधार हो रहा है, ज्यादातर अच्छा से वैरायटी वो खरीद पा रहे हैं, जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट हो उनका मैनेजमेंट हो ये सब व्यवस्था वो कर पा रहे हैं, और यही कारण है कि पिछले 7 साल में या 8 साल में हमारा फूड ग्रेन आउटपुट ज्यादा हुआ है, लाइफ स्टॉक का आउटपुट जैसे मिल्क हो मीट हो फिश हो सब क्षेत्र में हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है, टोटल आउटपुट बढ़ गया है। एक यही देखिए फूड ग्रेन 264 मिलियन टन उत्पादन था 2014 में, 2022 में 315 मतलब 315 मिलियन टन तक हम पहुंच गए फूड ग्रेन। हॉर्टिकल्चर आउटपुट जो 264 मिलियन टन था 2014 में अब वो 330 मिलियन टन तक लगभग 329 मिलियन टन तक पहुंच गया है। यही दिखाता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के पीछे जो नया टेक्नोलॉजी हमारे किसान इस्तेमाल कर रहे हैं उसको खरीदने के लिए जो व्यवस्था है वो तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ही है, साथ साथ ऑफकोर्स हमारा बहुत सारे स्कीम्स है, पर ये तो साफ है कि अब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और किसान के बीच में एक मजबूत एक संबंध हम देख रहे हैं, और ये तो अच्छा ही होता रहेगा। यानी सरकार की इस राहत देने से किसानों को तो लाभ हो ही रहा है, टोटैलिटी में कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इसका फायदा सीधे तौर पर पहुंच रहा है। जरूर, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में ज्यादातर लोग आज भी कृषि पर निर्भर होते हैं। आज का आंकड़ा दिखाता है कि लगभग 48% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो तो कृषि पर निर्भर है, उनका लाइवलीहुड ऑप्शन उनका इनकम ऑप्शन कृषि के साथ जुड़ा हुआ है, इनमें किसान है लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर है, और कृषि का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे इकोनॉमी में वो भी बहुत है। पहले जो 16% था आपने देखा कि 2020 में जब देश पैंडेमिक कोविड पैंडेमिक से जूझ रहा था तब हमारा एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन 20% तक पहुंच गया है, अब तो लगभग 19% है। तो इसका मतलब यही है कि आज के आधुनिक दुनिया में भी भारत में भी कृषि का भूमिका बहुत प्रमुख है, लाइवलीहुड ऑप्शन मतलब जॉब्स क्रिएट करने का, उसके साथ साथ इनकम जो मिल रहा है सरकार किसान को वो सब उसमें बहुत ज़रा सुधार हो रहा है। तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को और बढ़ाना बहुत आवश्यक है, और जो 1.5% अब हमारे बैंकों को दिया जा रहा है मैं मानता हूँ कि अब बैंक भी बहुत प्रकार के जो बैंक्स है ये सब बैंक्स भी और मजबूती से किसानों को पहुंचने के लिए कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ सरकार ने जो किसान क्रेडिट कार्ड पर बहुत जोर दे रहा है, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड व्यवस्था है वो एक कार्ड है किसान के पास ताकि वो कार्ड को दिखाकर बिना कोलैटरल वो लोन ले सकते हैं। तो इस पर अब सरकार एक कैंपेन के माध्यम से हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देने का व्यवस्था कर रहा है। अब आत्मनिर्भर भारत के तहत जबकि हमारा टारगेट था 2.5 करोड़ हमारा एक्चुअल जो अचीवमेंट है 3.5 लाख करोड़ का होगा करोड़ का हो गया। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे किसान अब केसीसी के माध्यम से लोन अवेल करने का एक उनका एक स्ट्रेंथ बन गया है। और इसके साथ ये भी आपको याद रखना पड़ेगा हम सबको कि पहले खाली क्रॉप हस्बेंड्री पर लोन मिलता था, केसीसी का जो व्यवस्था था खाली क्रॉप्स के लिए था, मगर 2018 से केसीसी का होराइजन को बढ़ाया गया है, अब हमारा लाइफ स्टॉक सेक्टर पोल्ट्री सेक्टर फिशरी सेक्टर इन किसानों को भी केसीसी का उपलब्धि होना शुरू हो गया है। तो अब कृषि का अर्थ जो है और विस्तार हुआ है, पहले कृषि का मतलब खाली क्रॉप्स था, अब तो कृषि का मतलब है
एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक सेक्टर, फिशरी सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टर, तो जो सरकार का उद्देश्य है आय दुगुनी करने का, तो आय दुगुनी कब होगा? हर प्रकार के किसानों को अगर हम साहब अब हम लाभ देंगे तभी तो होगा। तो भारत देश में अब पोल्ट्री सेक्टर, फिशरी सेक्टर, लाइफ स्टॉक सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में ज्यादातर ग्रोथ हो रहा है, तो अगर इनको हम सपोर्ट नहीं देंगे तो दोगुनी करने का जो जो हमारा लक्ष्य है तो कठिन होगा। मगर सरकार ने बहुत प्रकार के वैप्लविक बदलाव लाया है, तो मैं मानता हूँ ये जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की पूरा भूमिका में ये जो बदलाव हो रहा है ये सब बहुत लाभदायक है और अच्छा होता जाए। जी, और हमने देखा कि कोविड काल में कृषि सेक्टर एक तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन बनकर सामने आया। और अगर मंशा की बात की जाए सरकार की, तो ब्याज अनुदान में वृद्धि से कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह की स्थिरता सुनिश्चित करने की कोशिश कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा की जा रही है। और इसके अलावा क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पर्याप्त कृषि ऋण सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया जा रहा है? यस, आप जैसे कह रहे हैं पर्याप्त ऋण का मतलब है कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में, रूरल सेक्टर में कृषि का एक बहुत बड़ा भूमिका है। तो इसलिए सरकार ने 2020 में आत्मनिर्भर भारत को अपनाया है, उसके तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, फिशरी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस स्कीम है। इन सब स्कीम्स के द्वारा, ये जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम्स के द्वारा 1,60,000 करोड़ का कॉर्पस फंड जो क्रिएट किया गया है, और इससे किसानों को और किसानों के साथ जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स है, जैसे प्रोसेसर्स है, फूड प्रोसेसर्स है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब लोगों को अब इंटरेस्ट सबवेंशन पर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिल रहा है। जब ये भी एक पर्याप्त व्यवस्था ही है, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, एग्री लॉजिस्टिक सुधरेगा, मार्केटिंग व्यवस्था सुधरेगा, किसान का जो उपज है वो मार्केट तक पहुंच पाएगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारा एग्रीकल्चर कमोडिटीज का वेस्ट होता है। हम तो यही देखा कि लगभग 12 लाख करोड़ का 2015 में डिकम्पोज हो रहा था, वेस्ट हो रहा था। मान लीजिए हमारा एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स मार्केटिंग व्यवस्था सुधरेगा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम द्वारा, तो स्वाभाविक ये जो वेस्ट हो रहा था, फूड लॉस हो रहा था, वो कम हो जाएगा और उसका लाभ सीधा किसान को होगा और देश को होगा। तो हम सबको यही मानना पड़ेगा कि अब कृषि पर एक कॉम्प्रहेंसिव एम्फोसिस है, खाली एक दृष्टि से नहीं, हर दृष्टि से देखा जा रहा है एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर वैल्यू चेन के रूप में हम देख रहे हैं। एक स्पेसिफिक उदाहरण मैंने देना चाहता हूँ, ये हमारा सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हमारे देश में लगभग 65,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। इन पर देश किसानों का बहुत निर्भर होता है। अब सरकार ने इन सब सोसाइटीज को कंप्यूटराइज करने का एक नया इनिशिएटिव लिया है। जी जी, जब ये सोसाइटीज डिजिटलाइज होंगे, कंप्यूटराइज होंगे, वो भी मुख्य धारा में आ जाएंगे, तो किस किसान को मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, ये भी पता चलेगा। क्योंकि सरकार का उद्देश्य यही है कि हमारे छोटे किसान है, पहले उनको मिले, मार्जिनल फार्मर्स को मिले, हमारे देश में उनका संख्या ही ज्यादा है। तो आप ये देखिए, क्योंकि डिजिटल इंडिया पर इतना जोर है सरकार का, तो किसान कृषि के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी का कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ है, तो आप ये देखा कि ये कल के निर्णय में उनको भी शामिल किया गया है, ताकि उनको एक इंसेंटिव मिलेगा, मैं कंप्यूटराइज होगा तो मुझे भी इस इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ मिलेगा, एक इंसेंटिव उनमें उनको उनके मन में जरूर आएगा। तो हर दृष्टि से आप देख रहे हैं कि एक कृषि को एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इससे किसान को लाभ होगा, कंज्यूमर्स को लाभ होगा और देश के अर्थनीति के लिए भी लाभ होगा, क्योंकि प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही प्राइमरी होता है, इस पर ही हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
निर्भर होता है या सर्विस सेक्टर का निर्भर होता है, क्योंकि परचेजिंग पावर को ज्यादा करना चाहिए। तो एग्रीकल्चर का सुधार, परचेजिंग पावर देश में अच्छा ही होगा जी। और किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं के लिए ऋण लेने के लिए ये प्रोत्साहन भी देने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, और ग्रामीण क्षेत्रों में इससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी, क्योंकि लघु अवधि के कृषि ऋण पशुपालन, डेयरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन सहित कई कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक दलवाई, आपने समय निकाला, बहुत बारीकी से इस पूरे विषय को, इस बड़े फैसले को समझाया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपको शर्मा साहब, एंड सबको धन्यवाद। बहुत जी हाँ, अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार्य गारंटियों की सीमा बढ़ाने हेतु आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के कोष में वृद्धि को मंजूरी दिए जाने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी कि ECLGS की सीमा में 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करके उसे 4.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ करने को मंजूरी दे दी है। ये अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य यानी कि हॉस्पिटैलिटी और उससे संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों के लिए निर्धारित की गई है। देखते हैं इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा में 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। इसे 4.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये अतिरिक्त राशि विशेष रूप से हॉस्पिटैलिटी और उससे संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों के लिए निर्धारित की गई है। ये वृद्धि आतिथ्य और उससे संबंधित उद्यमों में COVID-19 महामारी की वजह से आए गंभीर व्यवधानों को ध्यान में रखकर की गई है। कुल 50,000 करोड़ रुपए की इस अतिरिक्त राशि को आतिथ्य और उससे संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों पर खर्च किया जाएगा। इस खर्च को इस योजना की वैधता की अवधि 31 मार्च 2023 के भीतर ही कार्यान्वित किया जाएगा। जी हाँ, ये वृद्धि हॉस्पिटैलिटी और उससे संबंधित उद्यमों में COVID-19 महामारी की वजह से आए गंभीर व्यवधानों को ध्यान में रखकर की गई है। आपको पता होगा कि COVID-19 की वजह से बाहर से लोगों की आवाजाही नहीं हो रही थी, देश के भीतर भी लोग घरों में कैद थे, कहीं जा नहीं रहे थे, काम धंधे बंद थे, पैसा लोगों के पास नहीं था, जिनके पास था वो पैसा अपने पास बुरे वक्त के लिए रख रहे थे, इसलिए घूमना फिरना नहीं हो रहा था। तो इस सेक्टर को यानी कि हॉस्पिटैलिटी और इससे संबंधित व्यवसायों को बहुत नुकसान पहुंचा था। इस नुकसान की भरपाई के लिए और ये सेक्टर फिर से जो है क्रियाशील हो सके और पटरी पर आ सके, उसके प्रयास के तहत ये एक बड़ी घोषणा सरकार के द्वारा इस बार की गई है। और हम बता दें कि इसके तहत 5 अगस्त 2022 तक लगभग 3,67,000 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर भी किए जा चुके हैं। कैबिनेट दिस वीक में आज के लिए इतना ही। कैबिनेट दिस वीक में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए और बड़े फैसलों के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा, नमस्कार, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी।